सबसे पहले जो है वो मैं जो कॉमन क्यूरी को रिस्पॉन्ड करूंगी, लाइक अभी मेरे पास काफी सारी क्यूरीज आई हैं स्टूडेंट की कि वो कंफ्यूज हैं किस तरह गिटहब से हम असाइनमेंट को डाउनलोड करें, किस तरह .py एक्सटेंशन पे हमने काम करना है, और इसके साथ साथ जब हम कोड कर लेंगे तो फिर उसको पुश किस तरह किया जाए गिटहब पे। तो पहले इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूँ आपको। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन भी था, वो फाइल उसमें जुपिटर में ही नहीं लोड हो रही हमारी। जी, अभी इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ वापस असाइनमेंट है, असाइनमेंट टू। अच्छा, ये असाइनमेंट है। अब ये असाइनमेंट जो है वो .py एक्सटेंशन के साथ है। ये जो .py एक्सटेंशन होती है, ये बेसिकली आप इस पे जब आप वर्किंग करेंगे तो ये पर्टिकुलरली कुछ IDEs के लिए बनी है। लाइक आप चाहें तो इसको VS कोड पे भी कर सकते हैं कोड, और चाहे तो पाईचार्म पे कर लें या विजुअल स्टूडियो पे कर लें। लेकिन अगर आप इसको नोटबुक पे ही हैंडल करना चाहते हैं कि नोटबुक पे आप किस तरह इसको कोडिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं कि डाउनलोड करते हैं। अच्छा, डाउनलोडिंग के डाउनलोड करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक आप स्मार्ट गिट के थ्रू भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या गिट बैश के थ्रू भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे जो है वो वेबसाइट के थ्रू करूँगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रॉ, राइट क्लिक करके सेव लिंक एज कर लें। ये जो IPYNB एक्सटेंशन होती हैं उसको आप .py के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन .py को IPYNB में नहीं कर सकेंगे। तो इसको मैं यहाँ रीनेम कर देती हूँ, असाइनमेंट 10 मिनट टू, एंड देन इसको सेव। ठीक है, यहाँ मैंने सेव कर ली असाइनमेंट डॉट। ठीक है, ये PY एक्सटेंशन में मेरे पास फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, इसको रन करके नहीं देख सकते। अगर आपने ये रन करनी है या इसके ऊपर कोडिंग करनी है फर्दर, तो आपको IDEs यूज करनी पड़ेंगी, जैसे पाईचार्म हो गई या फिर आपके पास VS कोड हो गया। अब इसको नोटबुक में किस तरह हैंडल करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से आपने एक नोटबुक क्रिएट की। नोटबुक क्रिएट करने के बाद एक हमारे पास मैजिक फंक्शन है, वो है परसेंट लोड। परसेंट लोड के बाद आपने इसको फाइल का नेम लिख देना है। फाइल का नेम है मेरे पास असाइन टू डॉट पी वाई। इसको रन कर लेते हैं इस सेल को। जब आप इस सेल को रन करेंगे तो आपके पास ये पूरी डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ जो कोड था वो पूरा यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि चाहें तो आप इसमें ही कोड करके इसको रन कर लें, या आप चाहें तो इसको इंडिविजुअली सेल्स के अंदर स्प्लिट कर लें हर एक टास्क को। अब अगर इंडिविजुअली इसको स्प्लिट करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये पोर्शन है यहाँ तक का, ये सारा स्प्लिट हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक किया, सिंपल किसी भी स्पेस पे आपने क्लिक किया, इसको एडिट करके स्प्लिट सेल कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ कि आपके सेल स्प्लिट हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि टास्क वन को स्प्लिट करें ताकि आप उस पर काम कर सकें इंडिविजुअली, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एडिट करके स्प्लिट सेल कर दिया। तो अब आपके पास ये टास्क वन एक कंप्लीट इंडिविजुअल सेल के अंदर आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे कोड कर लें, और कोड करने के बाद आप इसे रन कर लें। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम वॉइस इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, काइंडली माइक म्यूट करवा दें क्योंकि आपकी कोई आवाज समझ नहीं आ रही। ओके, ओके, अब क्लियर है। मैजिक फंक्शन दोबारा से दिखा दो, कौन सा यूज करना पड़ेगा? जी हाँ जी, अभी करिएगा। मैजिक फंक्शन कौन सा है फाइल लोड करने के लिए? परसेंटेज मैजिक फंक्शन जो आपने यूज करना है वो है सिंपल परसेंट लोड एंड देन फाइल नेम। मेरे पास फाइल नेम है assign2.py। जब आप ये करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास पूरी कोड जो है वो लोड हो जाएगा यहाँ पे। अभी आपके ऊपर है, चाहे आप इस पर्टिकुलर सेल के अंदर ही सारे कोड लिख लें, या तो आप चाहें तो हर एक कोड को इंडिविजुअली स्प्लिट कर लें। स्प्लिट कैसे होगा दोबारा काइंडली बता दें। स्प्लिट ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं टास्क वन तक इंडिविजुअल सेल में स्प्लिट कर दूं, तो ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सिंपल टास्क वन पूरा कवर किया। ठीक है, और यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जस्ट मैं एडिट में गई, एडिट में स्प्लिट सेल। अब मेरे पास ये जो टास्क वन था वो मेरे पास स्प्लिट हो गया ये। ठीक
थैंक यू। इसी तरह से मुझे टास्क टू करना है तो टास्क टू पे मैंने क्लिक किया एंड देन यहाँ से मैंने स्प्लिट सेल किया तो मेरे पास टास्क टू भी है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपने कोड वगैरह कर लिए हैं, कोड एक भी मैं थोड़ी सी कंप्लीट कर लूँ, जब आप कोड कर लें, कोड को रन कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आप नोटबुक डाउनलोड करेंगे। अब क्योंकि आपने .py एक्सटेंशन से आप गए IPYNB पर, अब वहां से आपने क्या करना है कि दोबारा जब हम फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं या सब असाइनमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हम .py एक्सटेंशन में करेंगे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया है वो .py के ऊपर ही चलेगा। सो आपने क्या करना है, डाउनलोड एज करना है और डाउनलोड एज के बाद .py एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो लीव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, कीप की फाइल और यहाँ आपके पास अनटाइटल्ड .py से आपके पास क्या हुआ कि ये डाउनलोड हो गई है फाइल। अब आप इस फाइल को चाहे तो गिटहब पे अपलोड कर दें। अब गिटहब पे किस तरह अपलोड करना है, फॉर एग्जांपल अब ये मेरा प्रोफाइल है और मैं चाह रही हूँ कि मैं स्नैपचैट फिल्टर की, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेपो है, मैं उसके अंदर इस फाइल को पुश कर दूँ, तो किस तरह करना है, एड फाइल ऑप्शन है, एड फाइल के अंदर से आप अपलोड फाइल्स में जाएं और अपलोड फाइल यहाँ पे आपने कोई भी फाइल चूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड के बाद हमने क्या किया कि कमिट चेंजेस जो भी मैसेज है, फॉर एग्जाम्पल मैसेज टाइप किया आपने कोई भी अपना और यहाँ से आप इसको कमिट कर दें। तो जिस तरह आप गिट बैश से या स्मार्ट गिट से पुश करते हैं, अब आप सिंपल वेबसाइट के थ्रू भी इसको पुश कर सकेंगे।